ऑटो कैड की इंपोर्ट एंड सेटिंग के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, चलें और आपको बताते हैं कि ये वर्क स्पेस के अंदर आपको ये तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, व्यू क्यूब्स, नेविगेशन बार और यूजर कोऑर्डिनेट। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनको इधर से गैप कर दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने व्यू के अंदर आना है और यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आईकॉन आपको ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये गैप हो गया, ये नीचे देखें इसका ऑप्शन जो नजर आ रहा था तुमको वो गैप हो गया। उसके बाद व्यू क्यूब जो है ये बेसिकली 3D काम करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर क्लिक करें, ये भी गैप। जी हाँ, ये इनको मैंने ऑफ कर दिया। अगर जैसे कि मैंने ऑफ कर दिया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने वर्क स्पेस जो है जिधर आप काम कर रहे हैं ये बेसिकली सारा वर्क स्पेस कहलाता है, ये सारा जो है वर्क स्पेस है आपका, इसको जितना साफ करना चाहते हैं जो चीजें एक्स्ट्रा जैसे कि ये नेविगेशन बार, व्यू क्यूब और यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, इनको ऑफ करना चाहते हैं तो इधर आके उनको ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये नेविगेशन का ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है इसको भी ऑफ करना चाहते हैं तो ये देखें, इसको भी ऑफ कर देता हूँ मैं आपके सामने। अगर आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि इस तरह की छोटी छोटी और अगर आप चाहते हैं तो लेयर बार्स के बारे में आप लोगों को जैसे कि मैं वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोगों को तफसील से गाइड किया जाएगा। तो ये छोटी वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आप लोग छोटी छोटी सेटिंग के बारे में वो जान सके। आप